नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप 5 क्रीमें रखी हुई हैं और ये टॉप 5 क्रीमें रॉस्ट क्रीमें हैं। सबसे बेकार टॉप 5 क्रीमों में मैं इनको जगह दे रहा हूँ। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने उन क्रीमों को रखा है जिसका रिव्यू मैं कम ही देता हूँ, क्योंकि ये सारी बेकार क्रीमें हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतने दिनों से मैं सबसे अच्छी क्रीमों और रिव्यू दे रहा था फेस वाशेस का या फिर क्रीमों का, जो कि सबसे अच्छी होती थी आपके लिए। लेकिन आज मैं रैंकिंग दूंगा इनमें से सबसे बेकार कौन सा है और उनके कंपैरिजन में नंबर 1 सबसे बेकार कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे जो 5वें नंबर की क्रीम है और जो 4थे नंबर की है, उसको मैं ऐसे रैंक करूँगा कि नंबर 1 तक जाएगी। जो सबसे बेकार होगी वो नंबर 1 पे आएगी, जो हल्का सा अच्छा होगा वो नंबर 5वें पे आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा है यहाँ पे बोरो प्लस का हेल्थी स्किन एंटीसेप्टिक क्रीम, और ये है डर्मिसेंट ओसी क्रीम जो कि एक फंगल क्रीम है, और ये मेलामेट क्रीम जो कि हल्का सा फेयरनेस के लिए ही होता है, और बेटनोवेस सी क्रीम जो कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होता है, और ये 5वें नंबर पर है फेयर एंड हैंडसम का इमामी क्रीम। फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ कि मैं रॉस्ट क्रीमों का रिव्यू दे रहा हूँ, सबसे अच्छी क्रीमों का नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे 5वें नंबर पे मैं बता देता हूँ कि हमारी क्रीम है इमामी का फेयर एंड हैंडसम। फ्रेंड्स ये 5वें नंबर पे है, इसका मतलब है ये थोड़ी सी अच्छी क्रीम है। फेयर एंड हैंडसम बेसिकली होता है 5 एक्शन के तौर पर वर्क करता है इसका। ये रॉस्ट क्रीमों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तब तक ही फ़र्क दिखाता है जब तक आप इसे लगाते हैं, उसके बाद इसका फ़र्क बिल्कुल ही नहीं रहता है। ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है इसलिए हल्का सा अच्छा है ये, और ये काफ़ी चीप भी है, लगभग 25 रुपीज़ का 15 ग्राम का पैक है, इसीलिए शायद इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है, जब तक आप लगाएंगे तभी तक ये फ़ायदा देगा। और अब मैं बता देता हूँ हमारी 4थे नंबर की क्रीम कौन सी है जो कि सबसे रॉस्ट क्रीम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी 4थे नंबर की सबसे रॉस्ट क्रीम है मेलामेट। मेलामेट फ्रेंड्स आपके स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होती है और साथ ही साथ गोरे होने के लिए होती है, लेकिन गोरे होने के बाद जब तक आप लगाएंगे तब तक ये फ़ायदा देगा, उसके बाद जैसे लगाना बंद कर देंगे आपका चेहरा इतना रेड हो जाएगा, इतना भद्दा हो जाएगा कि सारी मतलब आपकी ब्यूटी टिप्स जो आप करते हैं या फिर ब्यूटी केयर करते हैं वो सारा बेकार हो जाएगा, और ये बहुत ही बेकार क्रीम है ये। फ्रेंड बेसिकली मार्केट में अवेलेबल होता है 15 ग्राम के पैक में, और इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ कि इसकी प्राइस होती है अराउंड लगभग 30-40 रुपीज़ का ये मिल जाता है आराम से। ये हाइड्रोक्विनोन कंटेन करता है जो कि स्किन को बहुत ही भद्दा बना देता है। अब मैं बता देता हूँ हमारे 3rd नंबर पे कौन सी है जो कि सबसे रॉस्ट है, वो है बोरो प्लस। फ्रेंड्स ये बेसिकली काफ़ी अच्छी क्रीम है, जब आप कट जाते हैं, जल जाते हैं या फिर किसी भी तरीके का घाव हो जाता है उसके लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन फेयरनेस के नाम पर एकदम बेकार क्रीम है, क्योंकि ये बिल्कुल भी फेयरनेस नहीं देता है, आपकी स्किन को चिपचिपा बना देता है और ऑयली बना देता है आपकी स्किन को। तो ये अच्छा है केवल कटने जलने के लिए, फेयरनेस के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो इसे मैं 3rd नंबर पे रखता हूँ। और हमारी 2nd नंबर की सबसे रॉस्ट क्रीम है, उसका नाम है डर्मिसेंट ओसी। फ्रेंड्स ये डर्मिसेंट ओसी बेसिकली होता है एंटी फंगल की तरह, फंगल के तौर पे, लेकिन ये केवल एंटी फंगल ही होता है जब आपके पिंपल या एक्ने में पानी भर जाता है या फिर गल जाता है, बहुत बेकार हो जाता है आपका पिंपल, तो उसके लिए उसको ख़त्म करने में काफ़ी माहिर होता है, और ये किसी भी तरीके का फेयरनेस पहुँचाने में माहिर नहीं होता है, ना ही एक्ने पिंपल्स को प्रोटेक्ट करता है, ना ही किसी तरीके के झाइयों झुर्रियों को बचाने में प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमारी है ये 2nd नंबर की सबसे बेकार क्रीम। और 1st पे है बेटनोवेट का सी, जो कि सबसे बेकार क्रीम है इस समय इंडिया में, जो कि बिल्कुल भी फेयरनेस नहीं देता है, ये केवल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होता है और उसे भी ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर आप एक्ने पिंपल्स के लिए लगाएंगे तो अलग से झाइयाँ हो जाएंगी। ओके थैंक यू।